दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किसी प्रॉपर्टी, घर या दुकान को किस कीमत पर खरीदा जाए। वैसे तो सच्चाई ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी का बिल्कुल ठीक ठीक रेट बता पाना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि किसी प्रॉपर्टी की कीमत कई अलग अलग चीजों पर भी डिपेंड होती है। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते और बेचने वाले कौन लोग हैं, प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है, उस प्रॉपर्टी की बाजार में क्या डिमांड है, प्रॉपर्टी की खासियत क्या है, प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ क्या है, और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप 2 मिनट में किसी प्रॉपर्टी के रियल वैल्यू का एक अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ठीक ठीक रेट का पता चल जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप सच्चाई को समझ पाएंगे और आप ये देख पाएंगे कि प्रॉपर्टी का टेक्निकल वैल्यू कितना होना चाहिए, और दूसरा आप ये भी समझ पाएंगे कि किस कीमत पर आपको उस प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और शेयर मार्केट हिंदी .com की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए जानते हैं कि प्रॉपर्टी का रियल वैल्यू कैसे पता करें। तो दोस्तों, किसी प्रॉपर्टी, घर या दुकान का रियल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इक्वल टू अर्निंग इंटू पीई। यहाँ पे अर्निंग का मतलब है उस प्रॉपर्टी से एक साल में आपको किराए के रूप में कितना लाभ होगा, और दूसरा पीई का मतलब है फिलहाल बैंक से मिलने वाले फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज के लाभ और उसके बदले दी जाने वाली प्राइस का संबंध क्या है, यानी बैंक लाभ का पी रेशियो क्या है। जैसे अगर फिलहाल की बात की जाए तो बैंक में 100 रुपये फिक्स डिपॉजिट करने से हमें 7% यानी 7 रुपये मिल जाते हैं। इसका मतलब बैंक का पी यानी प्राइस बाय अर्निंग होगा 100/7 इक्वल टू 14.29। अब जैसे ही आपको प्रॉपर्टी का अर्निंग और बैंक का पी पता चल जाता है, तो बस आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह प्रॉपर्टी की अर्निंग में बैंक के पी को मल्टीप्लाई यानी गुना करके आप किसी भी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मकान है जिससे महीने का 5,000 रुपये रेंट कमाया जा सकता है, तो इस तरह पूरे साल में इस मकान से रेंट से जो इनकम होगी वो होगी 5,000 × 12 इक्वल टू 60,000 रुपीज़ यानी 60,000 रुपये। और पहले हमने बैंक का प्राइस यानी पी रेशियो देखा था, जो था 14.29 रुपीज़ यानी 14 रुपये 29 पैसे। तो इस तरह प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत क्या होगी, तो प्राइस निकालने के लिए हमें अर्निंग इंटू पीई करना है, यानी अर्निंग कितनी है 60,000 और पीई कितना है 14.29। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है वैल्यू 8,57,400 रुपीज़ यानी 8,57,400 रुपये। तो देखा आपने किस तरह आप 2 मिनट से कम समय में आसानी से किसी भी प्रॉपर्टी की वास्तविक वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले एक साल किराए का वैल्यू पता करना होगा, और एक साल किराए के वैल्यू में आपको करंट बैंक पी जो कि है 14.29 उससे गुना कर देना है, और आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी का रियल वैल्यू। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, प्राइस इक्वल टू अर्निंग इंटू पीई, जहाँ पे अर्निंग का मतलब है आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद से एक साल में उस प्रॉपर्टी से कितने रुपए रेंट में कमा सकते हैं, भले ही आप खुद रहने के लिए मकान खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी की वास्तविक वैल्यू को समझ सकते हैं। और दूसरा सवाल आता है पीई का, तो पी एक सिंपल रेशियो है और इसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और पी निकालने का फॉर्मूला है प्राइस बाय अर्निंग। यहाँ प्राइस की जगह आपको लिखना है निवेश की कीमत क्या है, और अर्निंग की जगह पे लिखना है कि निवेश से कितना लाभ हो रहा है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो पी रेशियो से हमें पता चलता है कि किसी निवेश से 1 रुपया कमाने के लिए उस निवेश में कितने रुपये निवेश किया जा रहा है। तो जैसे हमने पहले बात की बैंक के पी के बारे में, तो बैंक में 100 रुपये की कीमत पर लाभ हो रहा है 7 रुपये यानी 7%, और इसलिए बैंक का पीई है 100/7 इक्वल टू 14.29। अब ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर बैंक के पीई को साथ में रखकर प्रॉपर्टी का वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम जितने रुपए में प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उससे जो एक साल में इनकम होगी, तो उतना ही इनकम कमाने के लिए मुझे बैंक में कितने पैसे जमा करने होंगे। जैसे बैंक से हमें लाभ के रूप में फिक्स डिपोजिट पर 7% ब्याज मिलता है, इसका मतलब अगर हम पूरे साल में 7 रुपये कमाना चाहते हैं तो हमें बैंक में जमा करने होंगे 100 रुपये, और इस तरह बैंक का पी निकल के आता है 14.29। और पी का मतलब ये भी होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए मुझे बैंक में 14.29 रुपीज़ यानी 14 रुपया 29 पैसे मुझे बैंक में जमा करने होंगे। इसका मतलब एक साल में 60,000 रुपये कमाने के लिए बैंक में कितने पैसे रखने होंगे, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा 60,000 × 14.29 यानी 60,000 ×
₹14.29 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 8,57,400 रुपीज, यानी 8,57,400 रुपए। तो देखा आपने, अगर आप पूरे साल में 60,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको बैंक में 8,57,400 रुपए जमा करने होंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी प्रॉपर्टी से एक साल में 60,000 रुपए रेंट के रूप में कमाया जा सकता है तो उस प्रॉपर्टी को हम 8,57,400 रुपए से ज्यादा में क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जब हम बैंक से 8,57,400 रुपए जमा करके आसानी से ब्याज के रूप में 60,000 रुपए कमा सकते हैं तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कोई ऐसा मकान खरीदूं जिसकी कीमत 8,57,400 रुपए से ज्यादा है और उससे पूरे साल में सिर्फ 60,000 रुपए का ही लाभ हो रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा लॉजिकल आंसर कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन इस तरह कीमत निकाल कर अगर आप कोई घर, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको जल्दी कोई प्रॉपर्टी ना मिले, खास तौर से तब जब आपके एरिया में पिछले 8 से 10 सालों में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हों। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम प्रॉपर्टी इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि हमें उससे लाभ कमाना है। लेकिन प्रॉपर्टीज खरीदने से अगर हमें उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना कि बैंक में जमा करके हो रहा है तो आप बताइए कि हम प्रॉपर्टी में पैसा क्यों डालें? तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी इस वीडियो में बताए गए फॉर्मूले की कीमत से मैच नहीं करती तो उस प्रॉपर्टी को खरीद कर अपना पैसा फंसाने के बजाय हम अपना पैसा बैंक में जमा कर दें ताकि बैंक में पैसा बढ़ता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलता रहेगा। दोस्तों, पैसा आपका है, फैसला भी आपको ही करना है कि आपको घर या दुकान कितने रुपए में खरीदना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग सब्जी खरीदने वाले से 5 रुपए के लिए बहस कर लेते हैं लेकिन वहीं पर प्रॉपर्टी खरीदते समय यानी लाखों का सौदा करते समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और ना ही कीमत के बारे में बिल्डर या प्रॉपर्टी के मालिक से बहस कर पाते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो होम लोन लेकर ज़्यादा कीमत पर घर खरीद चुके हैं वो सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि आप भी प्रॉपर्टी खरीदते समय ऐसी कोई छोटी सी गलती करके ज़िंदगी भर पछताते रहें, क्योंकि याद रखिए, आप और मैं सपनों का घर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सुख और शांति मिले और हमारे घर की फ्यूचर में कीमत बढ़े जिससे कि हम लाभ कमा पाएं। लेकिन अगर हम घर खरीदते समय ही ज़्यादा कीमत में घर खरीद लेंगे तो हमारे घर की फ्यूचर में वैल्यू अगर बढ़ भी जाए तो हमें बहुत ही कम लाभ होगा। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय सोच समझकर सही रेट पर घर, दुकान या मकान खरीदें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का पैसा आपकी जेब से निकलकर किसी और की जेब में चला जाए और जब आप घर खरीदें तो बिल्डर को ज्यादा लाभ हो जाए और आपको ज्यादा नुकसान। इसलिए इस वीडियो में बताए गए फॉर्मूले को याद रखिए जिससे आप आसानी से किसी प्रॉपर्टी से होने वाले लाभ और बैंक से होने वाले लाभ को आपस में तुलना कर सकते हैं और अपने घर को एक सही कीमत पर खरीद कर अपने घर को अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और वीडियो के बारे में अपने सवाल या विचार को कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की वीडियोज के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।